नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो जैसे कि होली आने वाली है, तो होली में विभिन्न प्रकार के हम रंगों से होली मनाते हैं और ये प्रेम भाव का और हरियाली और नए मौसम के आगमन का ये त्यौहार होता है, इसको फागुनी भी कहते हैं। तो इस होली के त्यौहार पर रंग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो रंग लगाए जाते हैं वो आजकल मार्केट में केमिकल्स युक्त होते हैं, जिनके कारण बहुत सारे हमारे दोस्तों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या स्किन पे हमारे एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, आंखें खुजलाने लगती हैं या आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें, या तो होली ना खेलें या रंग से बचें, या हम कुछ ऐसा रंग बनाएं जिससे हमारे स्किन पर किसी प्रकार की खुजली, इचिंग या एलर्जी ना हो। तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आपको ऐसा होममेड जो आप घर पर वो रंग तैयार कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो कलर तैयार किया जाता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। प्राचीन काल में जो होली का त्यौहार था, वो जो वनस्पतियों की पत्तियां, फूल या उनके रस, उनके रसों से ही हम रंग तैयार किया करते थे और उन्हीं से ही होली का त्यौहार बनाया करते थे। मगर आजकल के जो केमिकल्स या आधुनिक जीवन में जो है केमिकल्स का बहुत प्रचार प्रसार है, इसलिए हर कलर में आपको केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आँखों में पड़ जाता है तो आँखों में जलन, खुजली, इचिंग या आंसू, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मार्च के महीने में आपको टेसू पलाश, इसको ढाक भी बोलते हैं और इसको ब्रह्म वृक्ष भी बोलते हैं, जो काफ़ी कायाकल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसके गोंद को भी कमरकस गोंद के नाम से जानते हैं, जो कमर दर्द में उपयोग किया जाता है। और इसका जो अर्क है उसको आँखों में भी डाला जाता है, जैसे आजकल आपको बाज़ार में आइसोटेन नाम का जो आई ड्रॉप्स मिलता है उसमें प्लास या टोसू का अर्क का प्रयोग किया जाता है, जो आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको उसके पुष्प ले आने हैं। तो मेरे पास कुछ पिछले साल के पुष्प पड़े थे, मैं उनको आपको कैसे रंग बनता है उसको आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो आप जो पुराने पुष्प हैं उनको ले लें और उनको सुखा कर और उनके पीछे जो काले रंग की जो कैप है उसको निकाल दें, और हमें पुंकेसर और इसकी पत्तियाँ ही चाहिए। तो इच्छे इन प्लास के फूलों को हम अच्छे से सुखा लेंगे और उनको सुखाकर फिर मिक्सी में डालकर इसको बारीक कर लेंगे और हमारा कलर तैयार है। ये नेचुरली है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल्स नहीं होता है और इसका जो रंग है ये भी केसरिया होता है, ऑरेंज कलर में होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप स्किन पर लगाएं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इचिंग खुजली नहीं होती है। अगर आँखों में गलती से पड़ भी जाता है तो भी आपको आँखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अगर इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो टेसिको पाउडर आप करीब 100 ग्राम ले लें और उस 100 ग्राम में आप एक चम्मच कुल करीब 4 से 5 ग्राम आप टाल्क पाउडर आता है, सिरगली पाउडर, उसको मिक्स कर दें तो आपका जो रंग है वो और भी स्मूथ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, आपको लगाने में बहुत ही ईजी होगा। ये मैंने खुद आपको अप्लाई करके देखा है, लगाने में बहुत ही अच्छा है, इसमें एक ऑरेंज कलर का रंग भी हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आप इस रंग को पानी में घोल देते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा केसरिया रंग हो जाता है। रंग डाल सकते हैं, आपको किसी भी एक्स्ट्रा कलर की कोई भी दिक्कत नहीं होती, ताकि आपको एक्स्ट्रा कलर उसमें मिलाना पड़े। ये नेचुरली है, इसमें कि हमारी प्रकृति ने पहले ही सारे रंग दे रखे हैं। आज भी मार्केट में जितने भी कलर मिलते हैं हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, मगर आजकल जो व्यापार करने वाले हैं उसको अच्छी कमाई के चलते उसमें केमिकल्स मिला देते हैं, इसलिए वो रंग हमारे लायक या स्किन में जो है एलर्जी या खुजली उत्पन्न करते हैं। तो इस होली पर आप इन रंगों को अपने घर पर ही बनाएं और इनका प्रयोग करें, ये बहुत ही अच्छे हैं। और तो इन रंगों को और बेहतर बनाने के लिए आप इसमें सिंदूर या और भी वनस्पतियाँ आती हैं उनके भी कलर आप मिला सकते हैं। तो आप इसको नेचुरली उपयोग करें और इसको घर पे ही बनाएं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।